हमारी बहुत स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कांस्टेबल एसआई बीए एमए टेंथ ट्वेल्थ बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोस्टली कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो इतिहास है हमारा, इतिहास का मतलब होता है जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है, एक इतिहासकार जो है वो जो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध जोड़ता है वो इतिहासकार कहलाता है। जैसे इतिहास का पिता जो माना जाता है वो हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो इतिहासकार है, इतिहासकार हमारा वो होता है जो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध जोड़ता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है। जैसे कि हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं, जबकि भारत के इतिहास की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन किया था वो कालिदास जी ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन किया था। तो इस हिसाब से हमारे जो इतिहास के जनक होने चाहिए वो होने चाहिए कालिदास जी। चूंकि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और जो हेरोडोटस है उन्होंने इतिहास को इंग्लिश भाषा में लिखा है, तो अंग्रेजी जो विश्व स्तरीय भाषा होने के कारण इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है, जबकि रियल में जो इतिहास के जनक है वो कालिदास जी हैं। ठीक है, चलिए इन चीज़ों का खंडन करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक हमारे जो प्रसिद्ध जो राइटर रहे हैं डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, उनके अनुसार हम इतिहास को जानते हैं। तो डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा के अनुसार जो इतिहास है उसको तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो सन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के सन 712 ईस्वी तक का जो इतिहास माना जाता है वो प्राचीन भारत का इतिहास माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में आपके वेद छंद पुराण ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि सन 712 से लेकर के 1757 तक का माना जाता है। सन 712 में जिस समय यहाँ का राजा सिंध का राजा दाहिर था, उस समय अल हजाज आया था। तो अल हजाज यहाँ पर समुद्र का दौरा करने के लिए अरब की जो महिलाएं हैं उनको लेकर के आया था। कुछ समुद्री लुटेरों ने वो उनके साथ बदतमीजी की, तो वो उसका बदला लेने के लिए जो है उन्होंने वो वहाँ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने जाके मोहम्मद बिन कासिम से शिकायत की। तो उनका बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत आए। ठीक है, और लड़ाई की उन्होंने, जो हमारे दाहिर जी थे उनके साथ में झगड़ा किया और इस तरीके से मध्यकालीन भारत का आरंभ होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आज हम ख़त्म करेंगे दिल्ली सल्तनत को, है ना। दिल्ली सल्तनत को से मतलब दिल्ली सल्तनत के हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अल हजाज के बाद यहाँ पर अल्पत गीन आए, फिर सुबुक्त गीन आए, फिर महमूद गजनवी आए, फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद साम उर्फ मोहम्मद गोरी आए। तो जो मोहम्मद गोरी थे वो गौर कबीले के एक शासक हुआ करते थे। ठीक है, गौर कबीले के शासक थे मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला भी था कि गुल खिला तसले में, ऐसा करके कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, है ना, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ऐसा करके ये 1206 से लेकर के 1526 तक का जो सल्तनत इतिहास है वो दिल्ली सल्तनत का है सर। और 1526 का एक ये ऐसा ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें पहली बार तोप या गोला बारूद का प्रयोग किया गया। ठीक है मित्रों, अब बात करेंगे हम, जैसे कि बताया था अभी हम यहाँ पर डिस्प्ले पे दे रहे हैं हम लोग, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बताया 1206 से 10 तक रहा, और फिर आराम शाह आए सन 1210 में, फिर रुकनुद्दीन आए, सॉरी आराम शाह के बाद इल्तुतमिस आते हैं, इल्तुतमिस 1210 से 1236 तक रहे, और इल्तुतमिस के बाद आता है उनका बेटा रुकनुद्दीन, है ना, रुकनुद्दीन 1236 में रहा,
फिर रुकनुद्दीन के बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया, रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान सन 1236 में हिंद की यानी दिल्ली की शासिका बनी और 1240 में उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी उनका एकमात्र विफल होने का कारण सबसे पहले तो महिला होना, दूसरा दौलत परस्त लोगों के हक में फैसला देना, ठीक है, चूंकि गलती किसी की भी हो फैसला देना है तो दौलत परस्त लोगों के हक में ही देना है, तो एकमात्र उनका विफल होने का कारण यही था, ठीक है। अभी इनके बाद आता है बहराम शाह 1240 से 42 तक, फिर मसूद शाह आते हैं, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं, फिर गयासुद्दीन बलबन आते हैं, फिर कैकुबाद आते हैं, ठीक है। अंतिम जो शासक थे गुलाम वंश के, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे कैकुबाद, जो 1287 से लेकर के 1290 तक यहाँ के शासक रहे, ठीक है। अब गुलाम वंश के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बताया गया कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, देन उनकी उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, वो लाखों का दान कर दिया करते थे, है ना, और कुतुबुद्दीन का निर्माण कराया उन्होंने, है ना। उसके बाद उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद थी जिसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, वो अढ़ाई दिन में ही पूरा कराया था, तो उसके नाम वो कराया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगाम खेलते हुए घोड़े से गिरने से हुई थी, है ना, एक गेम होता है चौगाम, घोड़े से गिर गया, खत्म कहानी। उसके बाद जो इल्तुतमिश है उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली परिवर्तित की, ठीक है। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन, जो कुतुब मीनार है उसके ऊपर की जो दो मंजिल है जो अधूरी रह गई थी उसको पूर्ण कराया, ठीक है। इल्तुतमिश ने एक तुर्क ए चहलगामी या तुर्क ए चालीसा की भी शुरुआत की। और उसके बाद बात करते हैं हम रजिया की, रजिया दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। उसके बाद हमारा है कि जो नसरुद्दीन मोहम्मद है एक ऐसा सुल्तान था जो अपनी रोजी रोटी की नकल करके और उसको बेच, मतलब टोपी बेचकर, टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी चलाता था, एकमात्र शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद, यानी कि अच्छा शासक था ये, ठीक है। उसके बाद जो गयासुद्दीन बलबन था, बहुत पढ़ा लिखा शासक था ये गुलाम वंश का, तो ये दिल्ली की सल्तनत का बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। उसने अपने विरोधियों के साथ में लोह और रक्त नीति अपनाई। बलबन ने सजदा और पाबोस नीति को प्रारंभ किया था, सजदा झुकना और पाबोस हाथ का चुंबन करना, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट खिलजी वंश के बारे में। जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से लेकर के 1296 तक ये शासक रहे, ठीक है। दूसरे हैं हमारे जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी सन 1296 से लेकर के 1316 तक शासक रहे। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह रहे जो 1316 से लेकर 1320 तक रहे, यानी कि 4 साल तक, और अंतिम रहे खिलजी वंश के संस्थापक नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह जो है अंतिम शासक रहे हैं। और अभी हम बात करते हैं हम अपने खिलजी वंश के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ठीक है। गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, और खिलजी की हत्या के बाद उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मार कर खुद गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और उन्होंने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी हासिल की थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जजिया कर, जजिया कर जैसे गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जैसे कि हिंदू हैं वो अपने धार्मिक स्थल पर जाते थे तो टैक्स देना होता था, जो भी उनकी संपत्ति थी धार्मिक कर के रूप में उसका 40वां हिस्सा लेते थे वो, ठीक है। और आवास और चराई, जो पशु वगैरह चराने के लिए भी जाते थे उसके लिए भी टैक्स लिया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के नियंत्रण के लिए दीवाने रियायत नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो मलिक काफूर है, एक हिजड़ा था जिसको 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया था, 6 वर्ष की उसकी उम्र थी, ठीक है, जो हिजड़ा था सॉरी। फिर जो मलिक काफूर था उसने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया और स्वयं शासन करने लगा,
ठीक है। और मलिक काफूर का जो सत्ता का सुख था मात्र 35 दिन ही भोग सका, फिर मुबारक शाह खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बनने के बाद आलस्य विलासना वासना बहुत सारे दुर्गुणों के साथ में वो वहाँ इलझा रहा, ठीक है। तो ये था। अब मुबारक शाह का एक बड़ा ही गंदा शौक था, नग्न स्त्री और पुरुषों के साथ दरबार में आता था, है ना। और कभी कभी तो वो खुद भी नग्न होकर दरबार में दौड़ लगाता रहता था। और खुसरो शाह हिंदू धर्म परिवर्तित करने के बाद मुसलमान बना था। उसने स्वयं को पैगंबर की सेनापति, जो पैगंबर का सेनापति है, उसकी उपाधि दे दी। और गाजी जो है मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त करके तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो अब बात करेंगे तुगलक वंश की। जो तुगलक वंश की स्थापना की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की और सन 1320 से लेकर के 1325 तक शासक रहा। देन मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। देन फिरोज शाह, जो फिरोज तुगलक है, 1351 से 1388 तक। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आए, ठीक है। उसके बाद अबू बकर आए, ठीक है। अबू बकर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अबू बकर के बारे में कब शासन बने, ये बने थे 1389 में, ठीक है। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह आए, उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह आए 1394 में, और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह 1394 से लेकर के 1494 तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो जो तुगलक वंश के महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे पहली बात है कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। और अपने साथ ही उसने गाजी की उपाधि प्राप्त की, यानी कि गाजी का मतलब काफिरों का जो है घातक, काफिरों के लिए, जो मतलब इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो सब काफिर है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण कराया। हालांकि ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विकास कार्य कराया। गयासुद्दीन तुगलक जो है उनकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान था, ठीक है। और उसने जो कई विवादास्पद नीतियाँ चलाई असफल रहा। इसको इतिहास में कभी कभी लोग कह देते हैं पागल बादशाह भी कहा जाता है इसको, है ना। कभी क्योंकि इन्होंने अपनी जो राजधानी कभी दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली अदलते बदलते में चमड़े के सिक्के चलाए, नोट चलाए चमड़े के, उसमें भी विफल रहा। पागल बादशाह इसीलिए लगा सन की है, ठीक है। अब बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के जो काल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी तुगलक के काल में, ठीक है। और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, जो इब्न बतूता था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर जो इतिहासकार बदायूनी है उन्होंने एक बात लिखी थी कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि वो प्रजा को बड़ा दुखी किया करता था भाई, ठीक है। और जो फिरोज शाह तुगलक है उसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करो को समाप्त करके केवल 4 चीज़ें लगा रखी थी। भाई पहला तो खराज यानी लगान, दूसरा युद्ध में लूट का माल इस पर टैक्स, है ना, फिर जजिया और जकात, ये 4 चीज़ दी थी। और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान बना, ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा इसने, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद यानी कि टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कराया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा के शासक जो थे भानुदेव उनको हराया था और जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कराया था। और फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट स्थित ज्वाला मंदिर को ध्वस्त किया था, जिसमें से 1300 ग्रंथों को लूटकर फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। और इसने जो है अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। और नसीरुद्दीन महमूद शाह जो शासन काल में तैमूर लंग
ने दिल्ली में आक्रमण किया था इसी के शासनकाल में, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में, तैमूर लंगड़ा जो था। ठीक है, अब बात करें हम सैयद वंश के बारे में। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो सैयद वंश है उसकी जो पिताजी थे या फाउंडर थे वो खिजर खां थे। 1414 से लेकर 1421 तक खिजर खां रहे, मुबारक खां रहे, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। कहने का मतलब 1414 से लेकर 1450 तक हमारा सैयद वंश चला। ठीक है, सैयद वंश के महत्वपूर्ण तत्व हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सैयद वंश का जो संस्थापक था खिजर खां था, ठीक है, उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और रैयत आला के नाम से संतुष्ट रहा कि भाई ठीक है मैं तो रैयत आला के उस नाम से खुश हूँ। देन जो खिजर खां की मृत्यु थी उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठ गया और शाह की उपाधि धारण कर दी, ग्रहण कर दी। उपाधि इनके लिए लेना देना कोई बड़ी बात तो होती नहीं थी भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर मुबारक शाह के दरबार में एक प्रसिद्ध लेखक थे सरहिंदी, है ना, जिसने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। फिर यमुना के तट पर मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की थी। तो ये था हमारा। अब बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। इस लोधी वंश की जो क्या कहते हैं फाउंडर थे, स्थापना की थी, वो थी बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, और ये रहे 1489 तक, और सिकंदर लोधी रहे फिर 1489 से 1517 तक, फिर इब्राहिम लोधी रहे 1517 से 1526 तक, स्क्रीन पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लोधी वंश के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि इसका जो बहलोल लोधी पहला अफगान शासक था, उसके बाद बहलोल लोधी का जो पुत्र था वो सिकंदर शाह था, गद्दी पर बैठा, शाह की उपाधि ग्रहण कर दी। उसके बाद सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, यही नहीं, सिकंदर शाह ने लोधी द्वारा जो माप का एक पैमाना था गजे सिकंदरी, उसको प्रचलित कराया। ठीक है, अब जो सिकंदर ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाकर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था, जो हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको ज़्यादातर इसको तुड़वाया इसने सिकंदर लोधी ने, ज्वालामुखी मंदिर था उसको तुड़वाया, बाट का काम करने के लिए दिया। ठीक है, फिर सिकंदर लोधी के आदेश पर जो संस्कृत ग्रंथ थे जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद कराया गया फरहंगे सिकंदरी के नाम से। फिर गले के कैंसर के कारण इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र जो है इब्राहिम गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और ये बताया था कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में इसको मार दिया गया था। ठीक है, बुरी तरह मारा गया था इसको कि एक ही सजा तो मिलनी है। अभी बात करेंगे इसके जो चाचा थे आलम खान, वो पंजाब के शासक जो दौलत खान थे, दौलत खान लोधी, उन्होंने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण का निमंत्रण दे दिया था, इसलिए मार खाया। अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। अगली बात करें इब्राहिम जो लोधी हैं उसी युद्ध में मारा गया था और इसी युद्ध के साथ ही इसका दिल्ली सल्तनत का द एंड हो गया था। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में से UPSC में 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम अगली वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, अगर मन करे तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के लिए नमस्कार, जय हिंद।